गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ट्रैक्टर है ये खड़ा था, हजारों ट्रैक्टर। गाइस ब्रेकफास्ट इज रेडी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो वी आर वेरी गुड, आप कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग, कॉलेज तो रोज ही जा रहे हैं, लेकिन आज बच्चों की वैकेशन चालू हो चुकी है और हमें ऑर्डर दिया गया कि आज टीपू को उठा के लेके आना है। तो उठा के मतलब उनको पिक करने जाना है और वीक के लिए, वो वीक या 10 दिन के लिए, जितने दिन की भी छुट्टी है उस 10 दिनों में वो यहाँ रहेंगे, आएंगे, मस्ती करेंगे हम बहुत सारे। तो हम बीच में घूमने भी जाएंगे तो उसका भी व्लॉग अपलोड होते रहेंगे डेली टू डेली। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना सामान और सब कुछ चीज़ सारी चीज़ मैं जाऊँ लेके जाऊँ, जिससे कि मैं एडिटिंग भी कर लूँ और हाथों हाथ डाल दूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन का पेंडिंग नहीं रखना चाहता बिल्कुल भी कोई भी सीन, क्योंकि मेरे बहुत पहले के व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। और फटाक से तैयार हो जाते हैं एंड आज हमारा सेशन है, तो उस सेशन को कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे दीपू को पिक करने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। सी यू। अभी 3 hours later एक बज चुका है और फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अभी मैं हूँ राई में एंड वेट कर रहा हूँ जाम खुलने का, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आई थिंक सो 45 मिनट्स लग जाएंगे कम से कम पहुँचने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जाके फिर हम आपको दीपू से मिलवाते हैं। दीप तो वैसे भी घर रहने वाली है तो मज़ा आने वाला है, और बाकी के दिन अब व्लॉग जो करेंगे अपना एडिटिंग वगैरह का सारा सामान मैं लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे भी मैं घूमने जा रहा हूँ। वैसे तो मौसी के जाने वाला हूँ मैं प्रिंस के पास डाकुडाउन, तो अभी बस कुछ दिन की कुछ दिन में निकलेंगे, अनुदी और के साथ ही जाने वाले हैं हम, तो 2-3 दिन का स्टे करके आएंगे, मजा आने वाला है। तो चलो आपको दिखाएंगे वहाँ का कैसा व्यू है, कैसे रहना खाना एंड सबसे बड़ी चीज़, लास्ट बार मैं गया था मैंने व्लॉग करा था पर वो व्लॉग की क्लिप्स गायब हो गई है, ठीक है। कुछ जब हम एक जगह गए थे बस वहीं की थोड़ी सी बहुत क्लिप्स थी, पर इस बार मैं फुल व्लॉग बनाने वाला हूँ, वो वाली क्लिप्स गायब नहीं होंगी, तो देखते हैं। चलो अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। सो गाइस वी हैव रीच्ड अनदीरोई एंड दीपू थयरोई, भाई हेलो करो। तो गाइस बस निकल रहे हैं, सब सेट पैकिंग वैकिंग उन्होंने कर लिया, बस निकल रहे हैं थोड़ी सी देर में। वी आर हैविंग सम नाश्ता वास्ता एंड फिर उसके बाद निकल रहे हैं, और आज पता नहीं लाइव का क्या सीन रहने वाला है भाई। मेरे को लाइव वाइव करने दोगे नहीं करने दोगे, या व्लॉग ही डाल लूँ मैं 10-15 दिन रेगुलर। चलो गाइस देखते हैं, अभी निकल रहे थोड़ी देर में एंड अच्छी। The next morning. Hello guys and welcome back to the vlog. We are here and today we are going. कहाँ जा रहे भाई हम? हम मासी के जा रहे हैं, छोटी वाली यानी कि काकर डाकू के घर पे, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये पहली बार जा रहे हो ना शादी के बाद? 8 साल में पहली बार, हम तो ऐसे घूमने फिरते निकल लेते हैं बस गाड़ी उठा के। हाँ फरीदाबाद जा रहे, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। ऑल पैकिंग आर डन, मैं भी नहाके एकदम रेडी, बस बाल बने हैं और अब बस अभी हम निकल रहे हैं, तो चलो फटाके चलते हैं। एक्साइटमेंट पूरी भरपूर है, करना क्या है अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, जाके बस चलते हैं, देखेंगे बाद की बात में। और दीपू कैसे हैं, क्या करने वाले हो आप वहाँ पे? गाइस हैवी लंच ब्रेक और दीपू खा रही है यहाँ पे कचौड़ी। अभी हम गीता कॉलोनी के पुल पे रुके, आई टी और गीता कॉलोनी के कट आता है ऐसे करके, जो कि नोएडा की तरफ जाता है, हम उस साइड से जाने लग रहे फरीदाबाद की तरफ, लेकिन यहाँ पे अलग ही मिर्ची लग रही है इन्हें। सब बढ़िया तरह से लंच कर रहे हैं, अभी बस निकल रहे हैं, मैंने खा लिया एंड ऑल सेट। अभी यहाँ से हमें लगेगा अराउंड 45 मिनट्स और फिर उसके बाद चलते हैं। पर भाई मजा आ रहा है, ये क्या है एंटीना? चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो। 1 hour later वी हैव रीच्ड मूसी देयर प्रिंस। अभी तो यहाँ शॉप पे वैसे बैठे हुए, मौसी की बुटीक है अच्छा बड़ा, और यहाँ बैठे हुए हैं फुल बढ़िया। अभी घर चलेंगे थोड़ी देर में सब शॉप बंद करके एंड हैव सम फ्रूटी। गाइस रिप्रेजेंटिंग आवर फर्स्ट लुक ऑफ शिंकू इज हियर एंड डाकू चला रहा है डेविडसन, जो इलेक्ट्रिक में जा रहे भाई फुल मत कर, मस्ती बकचोदी करते हो, लेकिन यहाँ का भाई व्यू दिखा दूं भाई पूरा ऐसा रात भाई देख के इंसान का अटक दिन पर यहाँ पे पूरा खुला एरिया है, मस्त बढ़िया, कुछ भी कहो कुछ भी कहो, शहर से तो बढ़िया ही जगह है भाई। यहाँ छत पे से पता ही नहीं होता उड़ाते जमीन पे से उड़ाते हैं, ठीक है। ये अलग ही हवा है इनकी, पर थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है और अच्छी ऑक्सीजन भी है। हमारे वहां तो ऐस के नाक में ऐसे इतना उंगली मारेगा ना तो इतना काला गंध निकलेगा ना, यहाँ नहीं निकलेगा। तो चलो अभी चल रहे हैं, शायद हम जा रहे हैं अभी वापस शॉप पे जा रहे हैं, कुछ सामान भूल के थे
और अभी फिर उसके बाद हमारा मोमोज खाने का प्लान है। और टाकू मेरे को हमेशा से ही बोल रहा है मोमोज खिलाएंगे। टाकू क्या खिलाने वाला? मंचूरियन लगवाएगा। सो गाइस 160 की स्पीड में चल रही है हमारी हार्ले, बिल्कुल बाल उड़ रहे हैं। देखो आप देख सकते हो रियर व्यू मिरर कितना साफ दिख रहा है मेरे को। मुंबई दिल्ली का एक बहुत बढ़िया रूट मिल रहा है और यहाँ पे ट्रैक्टर ये पूरी ट्रैक्टर फैक्ट्री है। यहाँ से हम डीजल चुराने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, डीसी आएगा है चलो इसमें से एक दो उठा लेते हैं। वो पीछे देखता सारे में ट्रैक्टर होंगे कम से कम हजारों है। एक गांव है पता नहीं चलेगा मेरा कंटेनर है मैं बिल्कुल आगे चला जा। पर इवनिंग इवनिंग हम आ चुके हैं। हमने मोमोज खाए, कुछ ज्यादा ऐसे खास थे नहीं, पर अभी डिनर का वेट हो रहा है। देखो मन लगा आपका कुछ इतना लेट आया खतरनाक बोली चली जाती है। तो गाइस आज का तो अभी पूरा थकान भरा मेरी आपके देख लो, मेरे को नींद आ रही फिलहाल, पर खेलना भी जरूरी है तो हम ग्राइंड जरूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं खेलने वाले। ठीक है, वो अंदर की फीलिंग है, जब सब सो जाएंगे तो हम ये गेट बंद करके ये वाला ठीक है फुल क्या करेंगे खेलेंगे भाई खेलेंगे। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। मन लग गया आपको यहीं छोड़ दें? क्यों? अरे हेलो ऐसे कैसे? तो भाई बारिश आ रही है, बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है, अब गर्मी की टेंशन खत्म होगी, गर्मी बिल्कुल जीरो। और अभी बारिश क्यों मारा? गाली दे रहा था। छोटे बच्चे कहाँ गाली देते हैं? हैं? देते हैं? कौन देता है? क्या क्या बोलते हैं? नहीं पता आपको? अभी ठीक है। बैच बता दूँ। अच्छा हेड डाउन कर रहे थे? क्लास में भी सो जाते हो? क्लास में भी सो जाते हो? ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। बैच कुछ नहीं देखती, वो पागल बना देते मैडम का। सो गाइस अगली मॉर्निंग हो चुकी है और कल रात को थोड़ा सा थक गए थे, थोड़ा बहुत खेला भी और फिर उसके बाद अभी वी आर हेयर फॉर हैविंग सम नान। ये मलेना रोड है लोगढ़ में, वहाँ पे आए हम और आएंगे नान खा रहे हैं। अभी सुबह ब्रेकफास्ट हम इसी से करने वाले हैं एज डाकू के हिसाब से। एंड ये हमारी स्कूटी है जिस पे आए हम, हीरो इलेक्ट्रिका एक नंबर, एज सुन सू चलती है ना 30-40 की स्पीड में। अभी वेट हो रहा है, बन रही है। क्या खाने आया है? आज ब्रेकफास्ट इज रेडी, वी आर रेडी टू गो। अभी रायता आ रहा है, रायता के बिना कुछ नहीं है। और ये रायता खाता नहीं है, रायता क्यों नहीं लेता तू? अच्छा है। कैसे? बस ऐसे ऐसे, कोई ऐसे शौक वोक नहीं है। बस एंड लिख देना, एंड डाक करके बटर लिया इसमें, मक्खन और रायता भी दे दियो, बटर और रायता लिया। सो गाइस वी आर रेडी टू गो, ऑल सेट। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ आपको रास्ते में पता चल जाएगा। चलोगे? चलोगे? चल बता क्या कह रही, मेरे को पता तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? बता जल्दी से कहाँ जा रहा है? नहीं कल नहीं बोली है, फिर कह रही सीक्रेट है, सीक्रेट। हाँ तो डाकू कैसा लग रहा है? ये अपना बेटा शिंकू और वो ऋषि। उत्तर प्रदेश का एक गांव। हाँ भाई एक्साइटेड हो देखने के लिए? मत तो आपका बेटा कार्तिक आ जाना, कार्तिक आ जाना। आपको मैंने लंदन में ऐसा डांस सिखाया कि इंडिया में। चलो गाइस मूवी शुरू होने वाली है। कौन से देख रहे हैं? इंडिया बोल जल्दी। इंडिया तुम मूवी का नाम पूछ के बता दे। बताइए बॉलीवुड देखने आया भाई? मैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखने आया था, बॉलीवुड देखने आया था। अरे भूल भुलैया देखने आया है भाई। सो गाइस मूवी बहुत तगड़ी है, डाकू फट गई थी। अरे वॉइस सीन एक से क्या मतलब कूलर चल गया यार। चलो वाला सीन बहुत इंटरवल चल रहा है अभी। ओ भाई जो आधी मूवी है ना फाड़ दी भाई,
कार्तिक आर्यन ने तो काम कर रखा, राज वाली आदम घुस के आ जाता बीच में से, मजा आ गया। चलो चलते हैं, इंटरवल इज अबाउट टू एंड एंड लेट्स गो। चलते करोगे इनका इधर तो ना, हम ऐसा फाड़ के ना ऐसे फॉरएवर वाले रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं ऐसा फेंक देते हैं। गाइस द शो वाज अमेजिंग, जो मजा आ गया ना, ये तीजे पीछे बकचोदी कर रहा है, ये यहां खड़े हो के और वो वहां खड़े हो के बहस कर रहा है, जो मजा आ गया ना गाइस, एक नंबर मूवी थी, पैसा वसूल, मतलब भाई ब्लॉकबस्टर तो है, मास्टरपीस है, जिसने नहीं देखी यार भूल भुलैया जाके देखो, बहुत तगड़ी मूवी है। और अभी हम कर रहे हैं यहां पे अपना वो स्ट्रीट फूड खाने के अलग ही मजे है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक बाजी बर्गर करके, जो कि हम अपने वहाँ पे हॉट डॉग बोलते हैं, तो उसको बनना मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। चलो चलते हैं। गाइस कल कुछ करके आए, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, उसके बाद फिर हम बैठ गए खाना खाने, खाना खा के थोड़ी देर खेला डाकू को, डाकू ने मैंने नहीं क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा यहाँ पे, आ ही नहीं रहा। अभी बस अगला दिन है और गल निकल रहे हैं, अभी बल्लमगढ़ में मौसी की शॉप पे आखिरी बार, मम्मी कहती थी कि बैठ जाते थोड़ी देर, एक्चुअली मैं अपनी घड़ी भूल गया और वो घर पे वो लेके आने लगा, वी आर वेटिंग फॉर हिम एंडी फोर, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो अभी जस्ट निकल रहे हैं, चलो निकलते हैं। 3 hours later भाई सब्जी खरीद लो, आलू ले लो, आलू ले लो भाई, आलू ले लो। ए क्या कर रहा है, ए सुअर आलू बेच रहा है, ए ओ भाई ओ भाई, उन्होंने बंद कर दिया, चलो भाई इसकी दुकान बंद हो गई। गन्नू इज गोइंग बैक होम, ओए पोपली हाँ हंस के दिखा दे एक बार, अच्छी आ रही है इसकी, करके याद कर कर दो ऐसे, कर दो कर दो सुअर। सो गाइस इसको छोड़ के बस निकल रहे, वो पीछे सो गई फिर दीदी सो गई, चलो घर जाके सो जाओ गाइस। वी जस्ट केम बैक होम और हम घर आ गए थे मौसीके से, एंड देन फिर अगले दिन अपना पोपली आ गई थी, उसको फिर मैं लेने गया, छोड़ने गया, तो ये सारा स्टफ था, थोड़ा सा उन्हें कुछ पर्सनल काम था इस वजह से भी वो आए थे, लेकिन अब एट द एंड लोग को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड पीस दे आउट, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी, सब्सक्राइब टू द चैनल वरना लूज मोशन लग जाएंगे।